हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिकअप वैन पुल से नीचे गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बोलेरो पलटने से 3 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। दोनों हादसों में 5 लोग घायल भी हुए हैं। हिमाचल में हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। हिमाचल के मंडी जिले में हादसे के शिकार हुए सभी 7 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। उन्हें ठेकेदार ने काम के लिए बुलाया था। मजदूरों की चक्कर की लोकेशन पर उतरना था, लेकिन गलती से मंडी बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से इन्होंने ठेकेदार को फोन किया तो ठेकेदार ने पिकअप वैन भेज दी। इन्हें लेकर जा रही पिकअप चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पुलगराट के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुए हादसे के शिकार लोग बच्चे का मुंडन कराने के लिए बिहार जा रहे थे। नेशनल हाईवे 233 पर मधुबेनिया कस्बे के पास बुलेरो पलट गई। इस हादसे में मारे गए 6 में से 5 लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों में 8 साल की शिवांगी, 3 साल का हिमांशु, 16 साल का उमेश, 52 साल की सावित्री देवी, 67 साल की सरस्वती और 45 साल की कमलावती शामिल हैं। हादसे की सूचना के बाद पहुंचे चौकी प्रभारी राजेश शुक्ला ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे की बाद डीएम दीपक मीणा, राम अभिलाष त्रिपाठी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।